हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा टैली प्राइम। और आज का हमारा जो पार्ट है वो है 16। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट पूरी डिटेल्स में। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के इन्वेंटरी मास्टर्स के बारे में। इन्वेंटरी मास्टर्स में क्या क्या कंटेंट्स है, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, ये सब कैसे यूज कर सकते हैं हम, ये सब कैसे क्रिएट करना है टैली में, इन्वेंटरी क्या होती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या रहती है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी मास्टर्स सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वॉट इज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या होती है। इन्वेंटरी मतलब जो भी सारे गुड्स और मटेरियल्स हमारे स्टॉक में रहते हैं, हमारे कंपनी में रहते हैं, जो हम प्रोडक्शन के लिए या फिर सेलिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजों को हम एज ए इन्वेंटरी ट्रीट करते हैं। अभी हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये इन्वेंटरी मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या रहती है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट ये हमारे बिजनेस का जो भी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टास्क है इसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज रहती है जो हमारी परचेस एक्टिविटीज, सेलिंग एक्टिविटीज को कंसर्न करती है, जो हमारा कैश फ्लो कंट्रोल करती है। विद द इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट वी कैन कटिंग इन प्रोडक्शन वेरी प्रॉपरली। अभी हमारे अपडेटेड टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने हमें इन्वेंटरी मास्टर्स दिए टू मैनेज आवर स्टॉक इफिशियंटली। इसमें हमें बहुत सारे कंटेंट्स मिलते हैं, जैसे स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, गोडाउन जो भी है हमारे वो हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक समरी हम देख सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर हम देख सकते हैं, हम चेक कर सकते कोई भी स्टॉक आइटम की इनवर्ड क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्टॉक आइटम्स या फिर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, लोकेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ इन्वेंटरी मास्टर्स। आज हम सीखेंगे कि ये सारे कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इनका यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इन्वेंटरी मास्टर्स कैसे एक्टिवेट करें हमारे टैली में। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नई कंपनी बनाने से। विल गो टू द क्रिएट कंपनी ऑप्शन। यहाँ पे हम सारे कंपनी के डिटेल्स डालेंगे, जो भी हमारी कंपनी का नाम है, से डब्ल्यू रिटेलर्स, उनका मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको ऐड करना है, आपको स्पेसिफाई करना है फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन हुए, इनके बुक्स कब बिगिन हुए, करेंसी, ये सारी चीज़ें जब आप डालोगे और आप एक्सेप्ट करोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे फीचर्स की स्क्रीन जो रहती है हमारी, ये फीचर्स की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेंटरी करके ये कॉलम दिया गया है हमें, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए। अभी इन्वेंटरी मास्टर्स आपके टेलीप्राइम में एक्टिवेट करने के लिए आपको ये जो मेंटेन इन्वेंटरी का ऑप्शन है यहाँ पे आपको येस करना है, और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी ऑप्शन को येस करना है, और फिर कंट्रोल ए। ये करने के बाद आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर्स दिखाई देंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट्स एंड लोकेशंस। अभी हम सीखेंगे कि ये सारे स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें ये जो मास्टर्स में क्रिएट ऑप्शन दिया गया है हम उस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर्स में पहला ऑप्शन ही है स्टॉक ग्रुप, इसमें एंटर कर दीजिए। ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हुई। अभी स्टॉक ग्रुप्स मतलब क्या है होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। स्टॉक ग्रुप्स आपके बिजनेस टाइप को रेफर करते हैं या फिर आपको बिजनेस टाइप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप कौन से इंडस्ट्री में आपका बिजनेस वर्क कर रहा है। लेट्स से इफ यू आर डीलिंग इन अ कंप्यूटर एक्सेसरीज और कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, तो आपके स्टॉक ग्रुप्स क्या रहेंगे, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, म्यूजिक सिस्टम्स, ये आपके स्टॉक ग्रुप्स रहेंगे। इन अ सिंपल लैंग्वेज स्टॉक ग्रुप रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ योर बिजनेस। नाउ लेट्स से हमारी ये जो कंपनी है डब्ल्यू रिटेलर्स, वो सुपर मार्केट रन कर रहे हैं अंडर डब्ल्यू रिटेलर्स नाम के, तो हमें हमारे स्टॉक ग्रुप्स क्या रहेंगे, ऑयल्स के स्टॉक ग्रुप्स रहेंगे, हमारे स्पाइसेस के स्टॉक ग्रुप्स रहेंगे, पल्सेस के स्टॉक ग्रुप्स रहेंगे। जैसे अभी हम ऑयल्स के लिए स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। हमारा पहला स्टॉक ग्रुप रहेगा जेमिनी ऑयल, इसे प्राइमरी में ही रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडेड, आपको अगर ये क्वांटिटी, इस आइटम की क्वांटिटी ऐड करनी है स्टॉक ग्रुप में तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करनी तो कीप इट एज नो। अभी सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स, सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स में येस करने के बाद ये जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि आपका ये जो स्टॉक ग्रुप है जेमिनी ऑयल्स ये टैक्सेबल है या नहीं, मतलब जो भी आइटम्स इस ग्रुप
के अंडर आते मतलब एडिबल ऑयल्स, ये हमारे एडिबल ऑयल्स टैक्सेबल है या नहीं, और अगर है तो उनकी उनका टैक्स रेट क्या है, या फिर वो नील रेटेड है या फिर वो एग्जम्प्टेड है, कि आपको स्पेसिफाई करना है। अभी हम टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। अभी एडिबल ऑयल्स का जीएसटी रेट है 5%, तो हम यहाँ पे 5% डालेंगे, एक्सेप्ट। ये हमारा एक स्टॉक ग्रुप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे फॉर्च्यून ऑयल्स, प्राइमरी रखेंगे इसे। अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा हमने जो जेमिनी ऑयल क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे आपको आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी, क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडेड, यस, सेटल द जीएसटी डिटेल्स पहले की तरह ही, टैक्सेबल, एक्सेप्ट। ये हो गए हमारे स्टॉक ग्रुप्स। अभी स्टॉक ग्रुप्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स दैट बिलोंग टू डिफरेंट स्टॉक ग्रुप्स बट हैव सिमिलर फीचर्स और सिमिलर बिहेवियर। मतलब क्या, सुपरमार्केट में हम ऑयल्स बेच रहे हैं तो यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल है, तो जेमिनी सनफ्लावर ऑयल, सफोला सनफ्लावर ऑयल, ये हमारे स्टॉक ग्रुप्स हो गए, और जो सनफ्लावर ऑयल है ये हमारी स्टॉक कैटेगरी हुई। मतलब स्टॉक कैटेगरी अलाउ करती है टू डू अ पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ आर स्टॉक आइटम्स। तो अभी हम स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे सनफ्लावर ऑयल, लिस्ट ऑफ कैटेगरी अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट हम यूज करते हैं राइस ब्रैन ऑयल। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट। पहले हम यूनिट्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम स्टॉक आइटम्स की तरफ जाएंगे। यूनिट, अभी यूनिट क्या रहता है? यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ गुड्स वी हैव परचेस्ड और वी हैव सोल्ड। अभी जैसे कि नंबर्स, किलोग्राम्स, लीटर्स, सेंटीमीटर्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अभी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है कि हमारे जो भी हम स्टॉक रहते हैं तो वो हम किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास राइस रहेगा तो हम वो किलोग्राम्स में यूज़ करते हैं, शुगर हमारी वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, जो भी ऑयल्स रहेंगे हमारे तो वो हम लीटर्स में, या फिर जैसे उनके पैक्स आते हैं 1 लीटर के पैक्स, 5 लीटर का कैन, तो वो हम उस हिसाब से उनको क्लासीफाई करेंगे। तो वो क्लासीफाई करने के लिए या फिर उनकी क्वांटिटी ऐड करने के लिए हमें ये यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी यूनिट क्रिएशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टाइप ऑफ यूनिट सिंपल रखा गया है, सिंपल एंड कंपाउंड, ऐसे 2 यूनिट्स आपको दिए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में, तो सिंपल मतलब जो नॉर्मल हमारे यूनिट्स रहते हैं, नंबर्स, किलोग्राम्स, सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा। कंपाउंड यूनिट्स मतलब अगर आपको किसी 2 यूनिट्स को मिला के 1 यूनिट बनाना है तो वो उसे कंपाउंड यूनिट कहते हैं। जनरली कंपाउंड यूनिट्स आर यूज इन पेरोल सिस्टम। अभी हम यहाँ पे सिंपल यूनिट ही यूज करेंगे। सिंबल, अभी जो भी आपको सिंबल चाहिए, आपको आपकी यूनिट के लिए आपको जो सिंबल चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ NOS। फॉर्मल नेम लिखना है आपको, जो भी आपके यूनिट का जो फॉर्मल नेम है वो आपको लिखना है। नंबर्स, अभी ये यूनिट क्वांटिटी कोड UQC में आपको ये पूरी लिस्ट ऑफ UQC मिलेगी। इसमें बहुत सारे आपको UQC दिए गए हैं। अभी हम नंबर्स के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे NOS नंबर्स। अभी आप अगर कोई ऐसा यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे जिसकी UQC आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, तो आप ये जो न्यू UQC ऑप्शन है यहाँ से आप नई UQC क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट करेंगे नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, एक्सेप्ट, यस। ये क्रिएट हो गए हमारे यूनिट्स। अब यूनिट्स के बाद हम देखते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्या रहते हैं, स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज स्टॉक आइटम? स्टॉक आइटम्स आर द गुड्स यू यूज्ड टू सेल। मतलब जेमिनी सनफ्लावर ऑयल, डिफरेंट पल्सेस हो गई, तो ये सब आपके रहते हैं स्टॉक आइटम्स। तो अभी हम देखते हैं कि स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करें। हम स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन में आए, यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपको डालना है नेम, जो आपके स्टॉक आइटम का जो नेम है, हम यहाँ पे डालेंगे जेमिनी सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर। अभी आपने जो भी ग्रुप्स क्रिएट किए थे वो आपको यहाँ पे आएंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ग्रुप आपके स्टॉक आइटम के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम सिलेक्ट करेंगे जेमिनी ऑयल्स। यूनिट्स, हमने जो अभी यूनिट्स क्रिएट किए थे वो यूनिट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पैक्स, तो GST एप्लीकेबल, इफ GST इज एप्लीकेबल, इट इज, सेटल टू GST, यस। यहाँ पे आपको अभी ये जेमिनी सनफ्लावर ऑयल के GST डिटेल्स स्पेसिफाई करने,
टैक्स डिटेल्स में कैलकुलेशन टाइप। अभी आपको इस ये जो जीएसटी का कैलकुलेशन है वो इस सनफ्लावर ऑयल के मतलब ये स्टॉक आइटम के आइटम रेट पे करना है या वैल्यू पे करना है ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑन वैल्यू सिलेक्ट कर रही हूँ। टैक्सेबिलिटी ऑफ कोर्स टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब हमारा जो टैक्स रेट है 5% सेस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में हम सिलेक्ट करेंगे गुड्स। रेट ऑफ ड्यूटी मतलब आप जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है इस स्टॉक आइटम ये स्टॉक आइटम पे वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। एडिबल ऑयल्स का टैक्स रेट है 5, तो हम रेट ऑफ ड्यूटी में 5 कर डालेंगे। अभी ओपनिंग बैलेंस, लेट्स से आपने नई कंपनी क्रिएट की है या फिर आप टैली में पहली बार काम कर रहे हो, आपके पास पहले से ही जेमिनी ऑयल्स का जेमिनी सनफ्लावर ऑयल के 1 लीटर के पाउच का स्टॉक है। आपके पास जो भी जितना भी स्टॉक है उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेट्स अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप परचेस करने वाले हो, यू हैव नॉट येट परचेस एनी स्टॉक फॉर जेमिनी सनफ्लावर ऑयल और योर स्टॉक आइटम, तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। एक्सेप्ट, यस, ये क्रिएट हो गए आपके स्टॉक आइटम। अभी हमारा नेक्स्ट कंटेंट है लोकेशन। द लोकेशन फीचर इन इन्वेंटरी मास्टर्स अलाउ यू टू ऐड द डिटेल्स ऑफ गोडाउन्स वेयर यू कीप योर स्टॉक आइटम्स। तो हम सीखते हैं कि लोकेशन कैसे क्रिएट करें। लोकेशन ऑप्शन में एंटर करेंगे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे लिखा है मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। टैली ने हमें मेन लोकेशन ये पहले से बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हमें आता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको नया ऑप्शन नया गोडाउन क्रिएट करना है या फिर ये जो मेन लोकेशन है ये अल्टर करना है। देखते हैं क्रिएट न्यू ऑप्शन में क्या है। अभी क्रिएट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका एक और गोडाउन है ठाणे में, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे ठाणे गोडाउन अंडर प्राइमरी। यहाँ पे मेन लोकेशन भी आएगा या आपके ऊपर है आपको मतलब मेन लोकेशन के अंडर इसे रखना है या फिर प्राइमरी में। अभी के लिए हम प्राइमरी में रखेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे और ये शो मोर पे जाओगे तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। नेम, लैंग्वेज, ग्रुपिंग ऑफ गोडाउन, गोडाउन एड्रेस, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, थर्ड पार्टी स्टोरेज डिटेल्स। नेम हमने यहाँ पे डाला है ठाणे गोडाउन, ग्रुपिंग ऑफ गोडाउन प्राइमरी, गोडाउन एड्रेस अगर आपको डिटेल एड्रेस गोडाउन का ऐड करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते तो अगर आपने ये ऑप्शन येस किया है तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त आपको स्टॉक जो ओपनिंग बैलेंस का नीचे कॉलम आता है वहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग स्टॉक जब ऐड करते हो तो वहाँ पे आपको ये मतलब टेलीप्राइम आपको पूछेगा कि ये आपके कौन से गोडाउन में है, तो वहाँ से आप ये डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे येस किया है तो वहाँ पे वो ऑप्शन आएगा आपको। अगर आपको ये अलाउ नहीं करना है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। थर्ड पार्टी स्टोरेज डिटेल्स, अभी थर्ड पार्टी स्टोरेज डिटेल्स क्या रहती है। थर्ड पार्टी स्टोरेज डिटेल्स मतलब आप आपके कोई स्टॉक आइटम्स किसी थर्ड पार्टी के स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के स्टॉक आइटम्स आपके गोडाउन में आप स्टोर करके रख रहे हो, तो वो डिटेल्स हम थर्ड पार्टी स्टोरेज डिटेल्स से ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मोर डिटेल्स में मिलेंगे। ठाणे गोडाउन हमारा हो गया प्राइमरी। एक्सेप्ट, यस। तो आज हमने सीखा इन्वेंटरी मास्टर्स के कंटेंट्स क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक कैटेगरी क्या है, स्टॉक आइटम्स किसे कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब। हमारे अगली वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक आइटम्स की क्वांटिटी ऐड कैसे करते हैं, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड क्या रहता है, वो कहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर कैसे रीड करते हैं, स्टॉक रजिस्टर के क्या क्या कंटेंट्स है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना अगर आपको टेलीप्राइम की नोट्स डाउनलोड करनी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद दोस्तों।